हेलो दोस्तों, हिंदी एंड्रॉइड टिप्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक एंड्रॉइड फ़ोन यूज़ करते हैं तो अपने मोबाइल को सिक्योर बनाने के लिए आप नए नए ऐप लॉक का यूज़ करते होंगे, नई नई ट्रिक को अपने फ़ोन पर अप्लाई करते होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे यूनिक ऐप लॉक के बारे में बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने एंड्रॉइड फ़ोन को बहुत ही ज़्यादा सिक्योर बना सकते हैं, मोबाइल की सभी एप्लीकेशन को, फ़ोटोज़, वीडियोज़ को। अगर दोस्तों आपके फ़ोन का कोई मिस यूज़ करना चाहता है तो आप उसकी फोटोज भी देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आप जानना चाहते हैं कौन सा है ये ऐप लॉक, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस ऐप लॉक का नाम है मैक्स ऐप लॉकर। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसे ओपन करने के बाद स्टार्ट पर क्लिक कर देना है, तो कुछ टाइम ये लोड होगा और आपसे जो भी परमिशन मांगेगा आपको सभी परमिशन को अलाउ करना है। दोस्तों, इसने यहाँ पर ऑटोमेटिकली कुछ एप्लीकेशन पर लॉक लगा दिया है, तो यहाँ पर मैं कुछ एप्लीकेशन को अनलॉक कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्लिक कर देना है। अगर दोस्तों आपके फ़ोन में फिंगरप्रिंट सेंसर है तो यहाँ पर आप फिंगरप्रिंट सेंसर का भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप पैटर्न लॉक का यूज़ कर सकते हैं। और इस एप्लीकेशन के अंदर आपको बहुत सारे यूनिक और यूज़फुल फीचर्स मिल जाते हैं, तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा एंड तक देखिए, मैं आपको एक एक फ़ीचर्स के बारे में बताऊँगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर मैं फिंगरप्रिंट का यूज़ नहीं करने वाला हूँ, आप चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना एक पैटर्न लॉक सेट कर देना है, हम सेट कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन का आंसर दे देना है, अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो इस आंसर के ज़रिए भी आप इसे रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एनेबल करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको परमिशन देना है एप्लीकेशन को, तो यहाँ से हम परमिशन देते हैं, उसके बाद फिर से एक बार परमिशन देना है और बैक आ जाना है, यहाँ पर कट कर देना है इसे। अब दोस्तों, ये एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत सारे यूज़फुल फीचर्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं थीम्स की, तो थीम्स पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको एक बिल्कुल यूनिक थीम देखने के लिए मिलती है, इमोजी थीम। आपके पैटर्न के ऊपर दोस्तों इमोजी लगा हुआ होगा जो देखने में काफ़ी यूनिक लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है, तो इसे मैं सेट कर देता हूँ। इस पर क्लिक करके ये सेट हो चुका है। ठीक है, अभी दिखने में कैसा लगता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने WhatsApp पर और YouTube वगैरह पर लॉक लगाया है, मैं YouTube को ओपन करता हूँ, तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर आ चुका है हमारा इमोजी लॉक, जो कि देखने में काफ़ी कूल लग रहा है, काफ़ी कमाल का लग रहा है। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं रॉन्ग पासवर्ड डालूंगा तो दोस्तों इमोजी टेढ़ी मेढ़ी शक्ल बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से ये टेढ़ी मेढ़ी शक्लें बना रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो है ना दोस्तों, यूज़फुल एप्लीकेशन, आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर राइट पासवर्ड डालता हूँ तो ये ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इस एप्लीकेशन के हम कुछ यूज़फुल फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों आपको और भी काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं देखने के लिए, जैसे कि यहाँ पर अपनी पर्सनल फ़ोटोज़ वगैरह को आप हाइड कर सकते हैं। ठीक है, प्लस के आइकॉन पर क्लिक करके। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मैक्स ब्राउज़र भी मिल जाता है, अगर आप कुछ प्राइवेट ब्राउजिंग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं किसी को पता ना चले आपने ब्राउज़र में क्या सर्च किया है और आपकी हिस्ट्री ना सेव हो, तो आप मैक्स ब्राउज़र को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इसके अंदर आपको और भी कुछ यूज़फुल फीचर्स मिल जाते हैं, आपको इस आइकॉन पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके फोन का अगर कोई मिस यूज करना चाहता है, आपकी गैर मौजूदगी में कोई आपके फोन में रॉन्ग पासवर्ड डालकर उसे ओपन करने की कोशिश करता है, तो आप उसकी फोटो देख सकते हैं। इसके लिए आपको यहां पर क्लिक करना है, इस सेटिंग को यहां से ऑन कर देना है, सभी परमिशन को अलाउ करना है, ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक करना है, सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर दोस्तों आपको सेट कर देना है। अगर कोई भी बंदा आपके फ़ोन में एक बार या दो बार रॉन्ग पासवर्ड डालता है तो उसकी फ़ोटो क्लिक हो जाना चाहिए, तो यहाँ पर हम दो पर सेट कर देते हैं इसे। अब दोस्तों कोई भी बंदा मेरे फ़ोन में अगर रॉन्ग पासवर्ड डालेगा तो मेरा मोबाइल उसकी एक सेल्फी ले लेगा और उससे फ़ोटो को मैं यहाँ पर देख पाऊँगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ से बैक। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक एरर का कवर देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि एप्लीकेशन ओपन करने पर दिखाई देगा, जिससे दोस्तों सामने वाले को लगेगा कि एप्लीकेशन क्रैश हो चुकी है। जैसे कि यहां पर देख सकते हैं, ये स्टेप बता रहा है किस तरह से यहां पे आपको करना है। ठीक है, तो यहां पर हम सभी सेटिंग कर देते हैं। यहां पर दोस्तों आपको इस तरह से राइट स्वाइप करना है, ये सक्सेस हो चुका है। ठीक है, अब यहां पर आपको एप्लीकेशन पर लॉक लगा देना है फिर से। यहां पर अगर आप कवर लगाना चाहते हैं तो मैंने यहां पर सभी एप्लीकेशन पर लगा दिया है। ठीक है, अब यहां से हम बैक आ जाते हैं, हमारी सभी सेटिंग्स हो चुकी है। ठीक है, तो यहां पर मैं ओपन करता हूं एप्लीकेशन को, आप देखेंगे यहां पर एक एरर आ रहा है,
जिसमें लिखा हुआ है कि ये एप्लीकेशन क्रैश हो चुकी है, ओपन नहीं हो रही है। ठीक है, अब इसे कोई ओके करता है तो एप्लीकेशन ओपन नहीं होगी, कोई अगर यहाँ पर होल्ड करता है तो भी ओपन नहीं होगी। यहाँ पर दोस्तों इस तरह से राइट साइड में स्वाइप करना होगा तो भी दोस्तों यहाँ पर जो हमने इमोजी लॉक लगाया है वो आ जाएगा। अब ये भी सामने वाले को पता होना चाहिए तो ही आपके मोबाइल की एप्लीकेशन ओपन होगी। इस तरह से दोस्तों आप अपनी पर्सनल फोटोज़ वीडियोस को सिक्योर कर सकते हैं, अपने मोबाइल की सभी एप्लीकेशन को सिक्योर कर सकते हैं। अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, अगर कोई बंदा इस एप्लीकेशन को डिलीट कर दे तो क्या होगा? तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको मोबाइल की सेटिंग्स पर भी लॉक लगा देना है ताकि कोई भी बंदा इस एप्लीकेशन को डिलीट ना कर पाए। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सेटिंग पर भी लॉक लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम डिलीट करके देखते हैं इस एप्लीकेशन को, आप देखेंगे मैं सेटिंग में जा रहा हूँ डिलीट करने के लिए, एप्लीकेशन पर यहाँ पर भी लॉक लगा हुआ है, यानी कि दोस्तों सामने वाला अगर डिलीट भी करना चाहे तो डिलीट नहीं कर पाएगा, ना ही उसके डाटा को क्लियर कर पाएगा। तो है ना दोस्तों यूजफुल एप्लीकेशन। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो सबसे पहले इस वीडियो को WhatsApp, Facebook पर शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए और इसे ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि इसी तरह की वीडियोस कभी भी आप मिस ना कर पाए। और जाते जाते दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।